आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा। हर जगह पे जाके मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। शुएब मलिक और घंटे के बच्चे बांग्लादेश में और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं से इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। आज शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसे टर्मिनेट कर दिया है। तो भाई अब जो है वो आप हमारी जो फ्रेंचाइज है ना इसका हिस्सा नहीं होंगे। आप जितना जल्दी हो सकता है बांग्लादेश को छोड़ के अपना बोरिया बिस्तर जो है लेके निकल जाए यहाँ से। शोएब मलिक ने जानबूझ के 3 जो है नो बॉल्स करवाई है। खत्म के एक फिंगर स्पिनर ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कैसे कर सकता है, और यही वो मामला है कि उनके फ्रेंचाइज के ऑनर ने बीपीएल जो एंटी करप्शन उनका यूनिट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उनको बोला है कि आप इसकी छानबीन करें। छोटा मामला है नहीं है, और मुझे लगता है कि बात आगे तक जाएगी, और ये शोएब मलिक के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। बिगेस्ट फिक्सर पाकिस्तान में निकलते हैं, पाकिस्तान पे एक दबा लगा हुआ है। ये मलिक ने भी आज भाई यकी कर दिया, शोएब मलिक ने। ऊपर से तो मुसलमान है, हमें यह सिखाया गया मैच में 3 बाले 9 बाले डाल के और भाग गया उधर से। जी हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शोएब मलिक मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगी है। दोस्तों कल एक मैच के दौरान शोएब मलिक ने लगातार 3 बॉल 9 बॉल डाला था। दोस्तों इसी के चलते लीग के ओनर ने शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत खारिज करके बांग्लादेश से पाकिस्तान भेज दी है। दोस्तों मैच फिक्सिंग करने का कारण पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन सा बन गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, शोएब मलिक ने वाकई में मैच फिक्सिंग करा है या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं और हम आपसे बातें करेंगे वीडियो के बाद में। मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान किसी चीज से बदनाम ना हुआ। अब क्रिकेट की बात कर लो, हमारा काम क्रिकेट पे बात करना है। आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा। यकीन करो, गूगल पे जाकर फिक्सर्स लिखोगे ना तो नीचे आपको पाकिस्तान लिखा नजर आएगा। शोएब मलिक ये इसे घंटे का बच्चा, ये शोएब मलिक ये बांदरी, ये सुखी बांदरी, ये अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने कठी 3 नो बॉलें की हैं। उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने, इसने मैच फिक्सिंग की है। अंदाजा लगा लो इन पाठियों का, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, फिक्सर पाकिस्तान, शोएब मलिक और घंटे के बच्चे बांग्लादेश में और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं से इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। इसने मैच में पहले मैच में 3 कट्ठी 9 बालें की हैं, कट्ठी 9 बालें की हैं, और 9 बालें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन दे के दुबई दफा हो गया। अब दुबई जब गया तो पीछे से उनको शक पड़ा है कि ये मैच फिक्सिंग के साथ मुलव्वस था, इसने फिक्सिंग की, फिक्सिंग करके ये पर्सनल रीजन दे के दफा हो गया दुबई। और फिर जो है वो बांग्लादेश के जो बोर्ड है उन्होंने ये चीज जब तफ्तीश की है, उन्होंने जब ये चीजें क्लियरेंस करवाई है तो पता चला है कि शोएब मलिक फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज शोएब मलिक का नाम जो है ट्रेंड कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक ही ओवर में 3 जो है नो बॉल है शोएब मलिक फेंक देते हैं। 3 नो बॉल्स एक ही ओवर में शोएब मलिक करवा देते हैं लगातार। अब उसके बाद सवालात उठना शुरू हो गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पिन बॉलर जो है फास्ट बॉलर हो, मानने वाली बात है, लेकिन एक स्पिन बॉलर 3 जो है कंसेक्यूटिव जो है नो बॉल है कैसे कर सकता है। इस पर सवालात बहुत ज्यादा उठाए गए। कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसे टर्मिनेट कर दिया है। तो भाई अब जो है वो आप हमारी जो फ्रेंचाइज है ना इसका हिस्सा नहीं होंगे। आप जितना जल्दी हो सकता है बांग्लादेश को छोड़ के अपना बोरिया बिस्तर जो है लेके निकल जाए यहाँ से। ओनर है इस फ्रेंचाइज का, उसने ये एलिगेशन लगाए भाई शोएब मलिक के ऊपर कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है, और तभी जो है शोएब मलिक ने जानबूझ के 3 जो है नो बॉल, जिस ओवर के अंदर उन्होंने 3 नो बॉल करी उस ओवर के अंदर शोएब मलिक को 18 रन हुए। उनके कप्तान तमीम इकबाल थे जिन्होंने उस एक ओवर के बाद शोएब मलिक को दोबारा ओवर नहीं दिया, और नेक्स्ट मैच में भी शोएब मलिक ने एक ओवर नहीं किया। तो इसमें तो एक बात तय है कि वो कुछ अंदर से पक रहा है उनके फ्रेंचाइज के अंदर कि शोएब मलिक ने एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल करी कैसे। एक जो क्रिकेट को समझते हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक फिंगर स्पिनर ऑफ स्पिनर एक ओवर के अंदर 3 नो बॉल कैसे कर सकता है, और यही वो मामला है कि उनके फ्रेंचाइज के ऑनर ने बीपीएल जो एंटी करप्शन उनका यूनिट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उनको बोला कि आप इसकी छानबीन करें और बताएं कि ये मामला इसमें वाकई कुछ दाल में काला है या दाल सारी काली है, जो भी आप हमें इसके ऊपर छानबीन हमें चाहिए। और एक फ्रेंचाइज ऑनर का ये कहना ये किसी इंसल्ट से कम नहीं है कि जिस फ्रेंचाइज से शोएब मलिक खेल रहे हैं उनका ऑनर ही उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इस बात की छानबीन होनी चाहिए। और ये छोटा मामला है नहीं है, मुझे लगता है कि बात आगे तक जाएगी, और ये शोएब मलिक के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह बौखला गए, क्योंकि दोस्तों मैच फिक्सिंग का काम
पाकिस्तानी खिलाड़ी अक्सर करते रहते हैं। दोस्तों आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग से शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट छीन ली है, क्योंकि दोस्तों कल एक मैच में शोएब मलिक ने लगातार 3 नो बॉल डालकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों कोई तेज गेंदबाज ऐसा करे तो समझ में आ जाती है, लेकिन कोई स्पिनर कैसे लगातार नो बॉल डाल सकती है दोस्तों। इसीलिए शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, शोएब मलिक ने सच्ची में मैच फिक्सिंग करा था या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।